तो फ्रेंड्स, आप सभी का ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में पावर बटन का यूज करते हैं ना, ये जो पावर बटन हर किसी के फ़ोन में ये पावर बटन दिया हुआ रहता है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पावर बटन का तीन ऐसे खुफिया ट्रिक बताने वाला हूँ ना, तीन ऐसे खुफिया राज करे बताने वाला हूँ, जिसके बारे में दोस्तों अगर आप जानिएगा ना तो बिल्कुल चौंक जाइएगा। और आप एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि काश पहले आपने पावर बटन का ये तीन सीक्रेट सेटिंग पहले क्यों नहीं बताया। जी दोस्तों, मैं आपसे बोलूँ दोस्तों, क्या पावर बटन से क्या करते हैं, तो आप बोलेगा कि जब हम पावर बटन को इस तरह से दबाते हैं तो यहां पे ना लॉक को ऑन ऑफ करते, ये सब करते। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पावर बटन का तीन खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। तो अगर आप भी पावर बटन का तीन खतरनाक ट्रिक सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या हो, जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा। एक कॉमेंट भी कीजिएगा, कॉमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल के पावर बटन से पहला ट्रिक सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के पावर बटन को इस तरह से दबाइएगा, थोड़ा देर प्रेस कीजिएगा, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे तीन ही ऑप्शन आता होगा, पावर ऑफ का, रीस्टार्ट का, इमरजेंसी मोड का। लेकिन दोस्तों, मेरे फ़ोन में ना एक एक्स्ट्रा मोड आता है जिसका नाम है लॉकडाउन मोड। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन मोड होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपने फ़ोन को ना कहीं पे रख देते हैं, सो जाते हैं कहीं भी, ठीक है, अपने फ़ोन को रख के चले जाते हैं, तो पता नहीं आपके फ़ोन में, ठीक है, या आप सो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लगाए होइएगा ना, तो वह व्यक्ति आपके मोबाइल के फिंगरप्रिंट को इस तरह से लगाएगा और आपके फ़ोन का जो कुछ भी होगा वो देख लेगा। या अगर उस व्यक्ति को यहाँ पे पैटर्न लॉक पता होगा तो इस तरह से करेगा और पैटर्न लॉक भी खोल लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में ना इस तरह से पावर बटन को दबाइएगा और लॉकडाउन मोड लगा दीजिएगा ना, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपके उंगली का फिंगरप्रिंट लॉक लगाने से खुल जाए या उसको ये लॉक लगाने से खुल जाए, ठीक है। अगर आप ये लॉक लगाते हैं तो बेहतर रहेगा, किसी का हिम्मत नहीं कि ये लॉक फिंगरप्रिंट लगाकर आपकी उंगली का इस्तेमाल कर लेगा। तो ये लॉकडाउन मोड इस तरह का फायदा देता है। अगर आप अपने मोबाइल में लॉकडाउन मोड नहीं तो लॉकडाउन मोड लगा सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि लॉकडाउन मोड ऑन करेंगे कहाँ, तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा और लॉक स्क्रीन में जाना होगा। लॉक स्क्रीन में जाइएगा दोस्तों, तो नीचे में आइएगा ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो देख रहे हैं सिक्योर लॉक सेटिंग, जिस पर आइएगा और यहाँ पर अपना ये पासवर्ड दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा लॉकडाउन मोड। ये देख रहे हैं सो लॉकडाउन मोड, इसको अगर आप ऑन कर देते तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन इस तरह से आपके मोबाइल में आता होगा। लेकिन इसको अगर आप ऑन कीजिए तो इस तरह से आपको फोन में चार गो आएगा, तो ये यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों, पावर बटन, ये जो मोबाइल का पावर बटन, इसका सेकेंड जो ट्रिक है ना वो देखिएगा ना तो आप बिल्कुल चौंक जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको पावर बटन का सेकेंड ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन को, ठीक है, अगर आपका फ़ोन इस तरह से लॉक है, कहीं भी गुम हो गया, चोरी हो गया, किसी ने चुरा लिया, तो वो बंदा सबसे पहले आपके फ़ोन के पावर बटन से उस मोबाइल को ऑफ करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मोबाइल लिया इस तरह से, वो क्या करेगा, इसको थोड़ा देर प्रेस करेगा तो यहाँ पे पावर ऑफ का बटन आ जाता है, तो यहाँ से पावर ऑफ कर देगा। क्योंकि अब हर किसी के फ़ोन में बैटरी अंदर का दिया रहता है, सब जानता है कि बैटरी खोलने वाला नहीं रहता है, रिमूवर करने वाला नहीं रहता है, तो वो पावर बटन से ही ऑफ होगा। तो इस तरह से वो व्यक्ति यहाँ से करेगा और पावर बटन से ऑफ कर देगा आपके फ़ोन को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पावर बटन में एक ऐसा खुफिया ट्रिक छुपा हुआ ना, जिससे आपका फ़ोन यहाँ पर ना लॉक यहाँ पर ऑफ नहीं होगा। तो वो कैसे नहीं होगा, उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा देर प्रेस करना होगा और स्लाइड की सेटिंग है ना जिस पर आना होगा, और ये बिग बैक्सी है ना, जिस पर अगर आप और यहाँ पे डाल देते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये देखिए पावर बटन से आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा देर प्रेस कीजिए, ये पावर बटन से ऑफ नहीं होगा बल्कि ये दूसरा सेटिंग ही आ जाएगा। तो इससे आपका उसका फ़ोन यानी आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा। और अगर आपको ऑफ करना रहे तो क्या कीजिएगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्लाइड कीजिएगा, इस तरह से स्लाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पावर बटन का यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाता है जिस पे टच करके आप ऑफ कर सकते हैं अपने फ़ोन को, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऑफ करना है। जैसे कि ये सेटिंग रहा,
जैसे कि इस तरह से रहेगा, आप इस स्लाइड कीजिए ना तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन आता है, तो इस वाले ऑप्शन पे टच कीजिए ना तो ये पावर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड ट्रिक था वो बहुत ही मज़ेदार था, जो आप अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो जो थर्ड ट्रिक है ना पावर बटन का, ये जो पावर बटन इसका थर्ड जो ट्रिक है वो सीख के ही जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना कभी कभी आप सेकेंड ट्रिक देख लेते हैं और थर्ड ट्रिक नहीं देखते हैं, तो वो बेकार बात है। देखिए थर्ड ट्रिक क्या है, और आपके फ़ोन पे ना किसी का कॉल आता है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना सेटिंग के बारे में ही बता देता हूँ कि क्या सेटिंग है। यहाँ पे थोड़ा देर आपको प्रेस करना है, ठीक है, इस तरह से साइड की सेटिंग आएगा जिस पे टच करना है। दोस्तों थर्ड ट्रिक के बारे में बता रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे ओपन ऐप है जिस पे टच कीजिएगा, और इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हैं, जैसे कि कॉल हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक बार ओपन कीजिएगा ना तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, ये देखिए व्हाट्सअप ओपन हो गया, दो बार आपको बार बार दबाना होगा तो वो चीज़ ओपन हो जाए, जो चीज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए वही चीज़ यहाँ पे ओपन होगा। तो ये थर्ड ट्रिक था जो आपके फ़ोन में काम आ सकता है जल्दीबाजी के रूप में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पावर बटन का तीन ट्रिक बताएं वो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।